हिसार नगर निगम चुनाव में नामांकन दाखिल करने के पहले दिन मेयर पद के लिए कोई नामांकन दाखिल नहीं किया गया। नगर निगम चुनावों के लिए 1 से 6 दिसंबर के बीच नामांकन दाखिल होने हैं, लेकिन शनिवार के दिन नामांकन के लिए शुभ नहीं मानकर पहले दिन मेयर पद के किसी भी उम्मीदवार ने अपना नामांकन दाखिल करना मुनासिब नहीं समझा। अभी तक कोई नामांकन मेयर का नहीं आया है हमारे पास, अगर किसी वार्ड में कोई आया है तो असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर बता पाएंगे। नगर निगम चुनावों के लिए जैसे जैसे चुनावी प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, चुनावी तैयारियों के लिहाज से गतिविधियां और तेज होती जा रही हैं। मतदान से लेकर मतगणना तक के सभी जरूरी इंतजाम पूरे किए जा रहे हैं। हमने 4 ARO लगा दिए हैं, चारों के ऑफिस एस्टेब्लिश कर दिए हैं, उनके साथ टीम लगा दी है, साथ में हमने ड्यूटी मजिस्ट्रेट की प्रक्रिया भी चालू कर दी है। कल तक परसों तक हम वो भी मजिस्ट्रेट लगा देंगे, सुपरवाइजरी ऑफिसर लगा देंगे, पोलिंग स्टाफ लगाने के लिए हमने NIC की ड्यूटी लगा दी है, वहाँ सारे स्टाफ का रिकॉर्ड अपडेट किया जा रहा है। EVM की ट्रेनिंग के लिए हमने 3 जगह निर्धारित कर दी हैं, एक मिनी सेक्रेटरिएट में, एक कॉरपोरेशन में और एक हुड्डा ऑफिस में। नगर निगम के चुनावी रण में अब उम्मीदवारों के कूदने का इंतजार हो रहा है, क्योंकि उसके बाद ही आगे के चुनावी गणित को लेकर माथापच्ची शुरू होगी। कैमरामैन विशाल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार ब्यूरो।